इस देश में महिला होना क्या पाप है? क्यों आखिर भेदभाव, छेड़छाड़, बलात्कार, इन सबसे जूझती हमारे देश की नारी? वही नारी जो एक माँ बनकर एक मर्द को भी जन्म देती है, वही नारी जो माँ, बहन और बेटी बनकर एक परिवार बनाती है, वही नारी जब पीछे रह जाती है, जब उसके साथ भेदभाव, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं, और उसके बाद जब कोई नारी ही नारी पर इल्जाम लगाए तो कैसा लगता होगा? देखिए क्या है मामला। इन कॉमन सेंस, वुड यू टेक सैनिटरी नैपकिन स्टीप्ड इन मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड वॉक इनटू अ फ्रेंड्स होम? यू वुड नॉट। And would you think that it is respectful to do the same when you walk into the house of God? So that is the difference. I have a right to pray. I do not have a right to desecrate. That is my personal opinion. दरअसल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब स्मृति ईरानी से ये सवाल पूछा गया सबरीमाला मंदिर के ऊपर, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया ये आपने देखा। मामला आखिर ये एक फेक न्यूज का था। एक व्हाट्सएप पे एक फेक न्यूज चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि सबरीमाला मंदिर में एक महिला खून से सना हुआ सैनिटरी पैड ले गई, लेकिन सच ये था उसके बैग में सिर्फ और सिर्फ एक सैनिटरी पैड थे, जो कि आम बात है किसी महिला के बैग में होने के लिए। इसलिए हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी तरह की फेक न्यूज का सहारा ना लें या उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ना करें जब तक उस खबर की जांच पड़ताल ना कर लें।